भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम से मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों, युवाओं को लेकर बहुत बड़े वादे किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इसे जारी किया गया। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में लव जिहाद का मुद्दा रखा। बीजेपी के संकल्प पत्र में जो 10 बड़े वादे हैं, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। अगले 5 वर्ष में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरा, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। तीसरा, उज्ज्वला के सभी लाभार्थी को होली और दीपावली में 2 मुफ्त LPG सिलेंडर मिलेंगे। चौथा, 2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों में बस की सुविधा दी जाएगी। पांचवा, पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन। छठा, हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देंगे। सातवा, प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग। आठवा, 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। नौवा, 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया गया है। और दसवा, काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो का वादा किया गया है। घोषणा पत्र के साथ साथ बीजेपी ने कर के दिखाया है नाम से नया चुनावी गाना भी लॉन्च किया। इसमें कर के दिखाएगी बीजेपी आएगी लाइन भी है। 2017 में बीजेपी ने 14 पन्ने का एक संकल्प पत्र जारी किया था, जिसे 10 विषयों में बांटा गया था। इसमें 200 से ज्यादा संकल्प थे। एक तरीके से देखा जाए तो इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने किसान, रोजगार, कानून व्यवस्था, व्यवसाय, महिला सशक्तिकरण और युवाओं पर खास जोर दिया है। इस दौरान ये भी कहा गया कि 5 साल में 3 करोड़ से ज्यादा रोजगार या रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अगले 5 सालों में हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर दिया जाएगा। वहीं अगर साल 2017 की बात करें तो उस दौरान 90% नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर मुफ्त लैपटॉप और हर महीने 1 GB डेटा दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने से पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सत्ताधारी दल पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि भाजपा के वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं वो घोषणा पत्र निकालें, संकल्प पत्र, वचन पत्र या शपथ पत्र, उत्तर प्रदेश की जनता अब विश्वास नहीं करेगी। भाजपा भरोसा खो चुकी है। किसान लखीमपुर, महिला हाथरस, युवा इलाहाबाद, व्यापारी गोरखपुर और आम जनता कोरोना नहीं भूलेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।